नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। अभी मैं रत्नागिरी में हूँ और ये रत्नागिरी का बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड जिसका काम अभी चल रहा है, देखिए। और ये इधर बाजू में सिटी का बस स्टैंड है, लोकल बस स्टैंड है। और ये रोड सीधा सीधा बीच की तरफ जाती है और इधर से ये रोड रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही है। तो आज इस वीडियो में हम रत्नागिरी में सस्ता लॉज होटल हमें कहाँ मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये बस स्टैंड का बाहर निकलने का रास्ता और ये सामने बीच की तरफ जाने वाली रोड, मेन रोड, इसी पे थोड़ा हमें आगे पहले चौक तक ही चलना है, नज़दीक है बस स्टैंड के बिल्कुल, इधर ही हमें आगे बढ़ना है। आप मुझे फॉलो करें, पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। ये पहले चौक के ऊपर ही श्री राम मंदिर है, ये आप देखें। इधर से हम अभी चल के आए हैं, ये पास में ही बस स्टैंड है और यहाँ ये मंदिर है और ये चौक यहाँ पर बनता है। और ये सामने आप देखेंगे यहाँ संतोष लॉज का बोर्ड लगा हुआ है, हमें इसी में ऊपर चलना है। आइए चलते हैं। ये श्री राम मंदिर, ये अंदर की गली और ये यहाँ संतोष लॉज और ये हमारा बीच से आने वाला रास्ता और ये बीच को जाने वाला आगे जो बस जा रही है, आगे नया बस स्टैंड भी है बीच के पास में ही। और हमें संतोष लॉज में चलना है। आइए मैं मिलाता हूँ आपको किसी मैनेजमेंट के आदमी से। इससे सस्ता मैं समझता हूँ आपको रत्नागिरी में कोई लॉज नहीं मिलेगा। और अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ के, ये इधर बस स्टैंड है जिधर से हम चल के आए हैं और ये लॉज के ऑफिस में हम आ गए हैं। ये आप देखें संतोष लॉज का बोर्ड लगा हुआ है, नंबर भी यहाँ पर है। और ये यहाँ का ऑफिस रिसेप्शन, आप क्या बोल सकते हैं इसको। और इधर भी ये बोर्ड लगे हुए हैं और ये पूरा हिसाब किताब है। और ये यहाँ पर साहब जी हैं, इनसे मैं बात कराता हूँ। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम शशि वर्मा है। वर्मा जी, हाँ जी, आप यहाँ पर हैं इसमें? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। ओके, ग्रेट। ये रत्नागिरी का मेन स्पॉट कहा जाता है, राममाड़ी एरिया है ये, राम मंदिर के सामने। और ये लॉज पिछले 60 वर्षों से जनता की सेवा में है। 60 ईयर्स, ग्रेट, जनता की सेवा कर रहे हैं। यहाँ मध्यम वर्गीय व्यापारी, अच्छे से अच्छे लोग, घर का घर से दूर एक घर जिसे बोलते हैं वो है संतोष लॉज। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर आपको सब बातों घर जैसा माहौल मिलेगा, पानी है, गर्म पानी है, 24 घंटे की सर्विस है। मेरे सामने बिस्तर देख रहे हैं, मैं यहाँ 24 घंटे रहता हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए रहता हूँ यहाँ पर। आप कभी आइए, आधी रात को आइए, आवाज़ दीजिए, संतोष लॉज आपकी सेवा में हमेशा आइए। बहुत ही बढ़िया स्पॉट, ये मेन रोड है, ये यहाँ से 2 मिनट का रास्ता आपको सिटी बस का मिलेगा। पीछे आप जाएंगे तो आपको मेन लाइन रेलवे बस स्टॉप है। यहाँ से पूरा मार्केट कवर करता है ये, पूरा पीछे आप देखेंगे पूरा मार्केट ही मार्केट है। ओके, मार्केट के अंदर ही है ये, मेन जगह के अंदर, मेन पॉइंट पे है, मेन पॉइंट के ऊपर है। ओके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाने के लॉजेस, खाने के होटल्स, मेन मार्केट, शॉप्स, बस स्टैंड, सब बीचेस है यहाँ पर। पीछे मांडवी बीच है, आगे जाएंगे भाटिया बीच है, मतलब ये सिटी का हार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं रत्नागिरी हार्ट ऑफ कोकण, राम एंड संतोष लॉज इज हार्ट ऑफ रत्नागिरी। ओके, ग्रेट। इस प्रकार से इसका दिल है। बहुत ही बढ़िया। हमारे जो सेठ साहब हैं जी, संतोष रेड्डी जी, उनके पिताजी के ज़माने का लॉज है ये। शुरू से वो लोगों के लिए भला चाहते हैं, करते हैं, अच्छे धार्मिक इंसान है, अच्छा महसूस करूँगा आपको, आप सब उनके नाम पर चलता है। बहुत ही बढ़िया, उनकी मैं फोटो दिखा देता हूँ यार। ये हमारे सेठ के पिताजी की फोटो है, ये फोटो लगी हुई है, पिताजी की फोटो है। यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर भी है जी। तो इस लॉज में कितने रूम हैं सर? इसमें 12 रूम है सर। 12 रूम है, 12 रूम है। और इसमें कुछ 2-4 रूम सिंगल बेड के हैं, बाकी एक रूम डबल बेड के। अच्छा, सिंगल भी है और डबल भी है। सिंगल रूम का किराया, बेड का किराया 200 रुपये, 24 आवर चेकआउट है। ओके, डबल बेड का किराया 2450 रुपीज़। अगर आप एक्स्ट्रा पर्सन आते तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं हम।
ओके, यानी 200 रुपये में सिंगल मिल जाता है और 250 रुपये में आपको डबल बेड मिल जाता है, दो लोग उसमें रह सकते हैं आराम से, और तीसरा कोई साथ में हो तो उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, 100 उसका भी लगता है। यहाँ लिखा हुआ आप पर सेकंड देख सकते हैं, यहाँ ये लॉज का भाड़ा वगैरह लिख रखा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो ये इससे सस्ता मैं समझता हूँ, सस्ता आपको इस एरिया में इतनी मेन सिटी में तो नहीं मिलना, मेन जगह पे नहीं मिलेगा, हार्ट ऑफ सिटी के बीच में नहीं मिल सकता। और 24 घंटे की आपकी सर्विस यहाँ पर रहती है, सेवा आपके यहाँ ही रहेंगे, आप कभी आवाज़ तो मुझे मैं एक सेकंड में आपके दरवाजा खोलूँ। सही बात, बहुत ही बढ़िया। और ये यहाँ पर रूम भी है, आपको रूम दिखा देते हैं, ये यहाँ पर मेन मेन जो यहाँ के पॉइंट हैं, बीचेज हैं, उनकी फोटो भी लगा रखी है। आइए रूम दिखा देते हैं, और अभी घड़ी में टाइम देखेंगे तो 5:40 हुए हैं, शाम का वक्त है, तो आइए रूम देख लेते हैं। आइए मैं आपको रूम की तरफ लेके चलता हूँ, ये गैलरी है और इसमें ये देखिए दोनों तरफ रूम बने हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। और ये वॉशरूम का एरिया है, इधर ये बाथरूम है, उधर टॉयलेट है, और उधर भी टॉयलेट है, और इधर ये वॉश बेसन लगा हुआ है, और ये इस तरह से पूरा गर्म पानी का भी व्यवस्था है। अब देखिए ये गीजर लगा हुआ है, तो हर तरह की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है। आइए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, ये वर्मा जी अभी रूम खोल दिया है, 109 नंबर रूम है, ये देखिए आप, ये देखिए पंखा लगा हुआ है, और बाहर ये खिड़की भी है, और ये बेड देखिए आप, बेड है, दो तरफ बेड है दोनों, काफ़ी बड़ा स्पेस है इसमें, इधर भी एक विंडो है, और ये लाइट के लिए आपको चार्जिंग के लिए भी पॉइंट है, पंखे के लिए भी है, और ये इधर कपड़ा वगैरह लगाने के लिए हैंगर वगैरह, और ये ट्यूबलाइट है, और ये बाहर से हम देखें ये आपका 0 बल्ब का भी रात में यदि आप जलाते हैं तो उसके लिए, और ये फ्रंट साइड रोड के ऊपर ही है, मेन रोड के ऊपर ही है, ये यहाँ का मेन रोड का नज़ारा आपको यहाँ से मिल जाता है। इधर हम आए हैं चल के बस स्टैंड की तरफ से, और इधर ये जो जा रहा है ये कॉलेज की तरफ जाता है, ये पूरा ये यहाँ का है, ये आप देख लें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।